बच्चों, ये है हमारा लेक्चर 183। हम कर रहे हैं चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। कल हमने एग्जांपल्स किए थे, आज हम उसी एग्जांपल्स पे बेस्ड एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 1, ठीक है। सो क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन 1 बोलता है कि फिल इन द ब्लैंक्स गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन nth टर्म, ठीक है। सो मतलब इन्होंने ए दिया है आपको, ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 1 में इन्होंने आपको ए दिया है, डी दिया है और ए एन दिया है, और आपको फिल करना है। देखो इस तरह से है आपकी एनसीईआरटी में, इस तरह से है, ठीक है। सो फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस, ए एन इज द nth टर्म। सो देखो ए 7 दिया है, डी 3 दिया है, एन दिया है, आपको ए एन फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ इन्होंने ए दिया है, यहाँ डी फाइंड करना है, एन दिया है, ए एन दिया है, मतलब 1, 2, 3, 4, इन चार टर्म्स में से इन्होंने तीन टर्म्स दी है और चौथी आपको फाइंड करनी है। 1, 2, 3 टर्म्स दिए, चौथी फाइंड करनी है, 1, 2, 3 टर्म्स दिए, चौथी फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो देखो ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, ए एन फाइंड करना है। तो पहले इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर की इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, तो फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर में क्या दिया है इन्होंने? ए दिया है 7, डी दिया है 3, एन दिया है 8, ए एन आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सो ए क्या है आपका? 7, एन क्या है आपका? 8 माइनस 1, डी क्या है? 3, ठीक है। सो 7 प्लस 8 माइनस 1, 7, 3, ठीक है। 7 प्लस 7, 3 जा 21, ठीक है। सो 21 प्लस 7, 28, सेकेंड, तो देखो सिंपल आपने ए एन की फॉर्मूला लगा दी और आपको मिल गया। अब सेकंड देखो, आपको सेकंड नंबर ए दिया है माइनस 18, डी दिया है, एन आपका 10 दिया है, ए एन दिया है 0, ठीक है। फिर से देखो फॉर्मूला तो यही लगेगा, ठीक है, फॉर्मूला तो यही लगेगा। सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सो ए एन क्या है? 0, ए क्या है आपका? माइनस 18 प्लस एन क्या है? 10 माइनस 1, डी फाइंड करना है, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, आपको जो सब दिया है वो सब आपने लिख दिया, ठीक है। सो देयर फोर 0, फॉर्मूला देखो आपकी ये nth टर्म वाली फॉर्मूला ही काम आ रही है, ठीक है। देखो आप इसमें भी आपने nth टर्म वाली फॉर्मूला लगाई, इसमें देखो ए एन फाइंड करना था तो आपने ए एन, देखो 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 3। ये आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो? एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 1 कर रहे हो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो माइनस 18 है, उठा के उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 18। सो 0 प्लस 18 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 इंटू डी। सो 0 प्लस 18 क्या होगा आपका? 18 होगा। सो 18 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 क्या होगा? 9d, ठीक है। सो देयर फोर 18 अपॉन 9 इज इक्वल टू डी, ठीक है। सो अब कट शॉर्ट करेंगे, सो देयर फोर 9 1 जा 9, 2 जा, सो 2 इज इक्वल टू डी, सो देयर फोर डी इज इक्वल टू 2। तो सेकेंड में आपको डी तो फाइंड करना था, देखो यहाँ आपको जो फाइंड करना है वो आपको भरते जाना है, ठीक है। सो आपने यहाँ पे डी जो फाइंड किया वो यहाँ आप खाली स्पेस में भर देना। अच्छा अब थर्ड वाला है, थर्ड वाले में देखो आपको ए फाइंड करना है, इन्होंने डी दिया है, एन दिया है, ए एन दिया है, फॉर्मूला वही लगेगी, देखो फॉर्मूला ए एन की लगेगी तो कोई चिंता ही नहीं है। सो थर्ड नंबर करेंगे, और आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो खाली ढंग से लिखना, ठीक है। सो थर्ड नंबर, ठीक है, थर्ड नंबर है आपका, ए फाइंड करेंगे, ठीक है, डी माइनस 3, एन 18 और ए एन माइनस 5, ठीक है। सो यहां देखो आपको ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सो ए एन क्या है? माइनस 5, ए क्या है? एन क्या है आपका? 18 माइनस 1, डी क्या है? माइनस 3,
ठीक है। सो इस तरह से है आपका। सो देयर फोर माइनस फाइव इज इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस वन क्या होगा 17। ठीक है, मैं सिंपल देखो फॉर्मूला वही वही ले रही हूँ। ठीक है, एंथ टर्म के फॉर्मूला में देखो ए फाइंड करना है तो ए की जगह ए लिखा, एन दिया हुआ है माइनस फाइव वो लिखा, एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है मुझे 18 तो 18 लिखा। ठीक है, सो माइनस थ्री। ठीक है, सो देयर फोर माइनस फाइव इज इक्वल टू ए प्लस 17 थ्री जा, सो प्लस माइनस माइनस, सो 17 थ्री जा 51 होता है। ठीक है, सो माइनस 51। ठीक है, सो देयर फोर माइनस फाइव इज इक्वल टू ए प्लस माइनस माइनस 51। ठीक है, सो माइनस 51 उधर गया तो प्लस 51। ठीक है, सो 51 माइनस फाइव इज इक्वल टू ए। ठीक है, सो 51 में से फाइव गए, 51 में से फाइव गए तो कितने बचेंगे, 51 में से फाइव गए तो 46 बचेंगे। ठीक है, 46 बचेंगे इज इक्वल टू ए। ठीक है, सो देयर फोर ए इज इक्वल टू 46। ठीक है, सो ये आपका आंसर। ठीक है, सिंपली मतलब जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो इन्फॉर्मेशन लिख देने की, और फिर आपको जो मतलब फॉर्मूला तो देखो यही लग रही है, देखो फॉर्मूला वही एंथ टर्म वाली, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ठीक है, यहाँ देखो तो यहाँ पे आप लिख दो ए इज इक्वल टू 46। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो फोर्थ नंबर। ठीक है, सो फोर्थ नंबर देखेंगे अभी हम। फोर्थ नंबर, ठीक है, फोर्थ नंबर देखेंगे। तो फोर्थ नंबर में आपको ए दिया हुआ है माइनस 18.9, बी दिया हुआ है 2.5 और एन फाइंड करना है, और एन दिया हुआ है 3.6। ठीक है, सो एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो देयर फोर ए एन क्या है 3.6, ए क्या है माइनस 18.9 प्लस एन फाइंड करना है, और डी क्या है 2.5। ठीक है, सो देयर फोर माइनस 18.9 है उधर जाएगा तो प्लस 18.9। ठीक है, सो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू एन माइनस वन 2.5। ठीक है, सो इन दोनों को प्लस कैसे करेंगे, कईयों को ये प्लस भी नहीं करना आता है, तो आप ध्यान से देखो कैसे करने का। प्लस करने के लिए मैं आपको यहीं बता देती हूँ। सो 3.6 प्लस 18.9, पॉइंट के नीचे पॉइंट होती है। ठीक है, सो 6 और 9 15 होगा, 1 उधर पॉइंट का पॉइंट, 8 9 10 11 12। ठीक है, सो 22.5 हुआ। ठीक है, सो देयर फोर 22.5 इज इक्वल टू एन माइनस वन 2.5। ठीक है, सो 2.5 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड करेंगे, 22.5 डिवाइड 2.5 इज इक्वल टू एन माइनस वन। ठीक है, सो अब यहाँ देखो, यहाँ देखो पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, मतलब पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगी। देखो पॉइंट के बाद एक नंबर है मतलब अपॉन में 10, यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है मतलब अपॉन में 10, 10 10 कैंसिल, सो 225 अपॉन 25 इज इक्वल टू एन माइनस वन। ठीक है, अच्छा आप कट शॉर्ट करोगे 25 से, इसको कट शॉर्ट करो, 25 की टेबल में 225 कब आता है, सो 25 की टेबल में 225 आता है 9 टाइम्स। ठीक है, सो 25 वन जा 25 9 जा। ठीक है, सो 9 इज इक्वल टू एन माइनस वन, सो देयर फोर 9 इज इक्वल टू एन माइनस वन। ठीक है, माइनस वन उधर जाएगा तो प्लस वन, 9 प्लस वन इज इक्वल टू एन, सो देयर फोर 10, एन इज इक्वल टू 10 हुआ। ठीक है, एन 10 के बराबर हुआ। अच्छा अभी हम देखते हैं फिफ्थ नंबर। ठीक है, सो फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, ठीक है, फिफ्थ में ए दिया हुआ है 3.5, डी दिया हुआ है 0, एन दिया हुआ है 105 और ए एन आपको फाइंड करना है। ठीक है, सो अब यहां देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन इज इक्वल टू ए 3.5 प्लस एन माइनस, ठीक है, सो एन क्या है आपका, एन है 105। ठीक है, 105 माइनस वन डी 0। ठीक है, सो अब यहाँ देखो ए एन इज इक्वल टू 3.5 तो 3.5 है प्लस
यहाँ देखो 105 माइनस 1 पर मल्टीप्लाई 0 है, देखो भले आप इसको सॉल्व करो पर 0 मल्टीप्लाई में तो आंसर तो ऑटोमेटिक 0 ही आएगा ना, ब्रैकेट मल्टीप्लाई 0 0 ही होगा, ठीक है, एनीथिंग मल्टीप्लाई 0 0, ठीक है। सो देयरफॉर ए एन इज इक्वल टू 3.5, 3.5 प्लस 0 3.5 हुआ। सो दिस इज योर फिफ्थ नंबर, ठीक है। सो यह फिफ्थ नंबर में आप ए एन की जगह यहाँ ये लिख देंगे, ठीक है। तो सिंपली ब्लैंक्स भरनी थी, एक ही फॉर्मूला से पूरा क्वेश्चन वन हो गया। कौन सी फॉर्मूला? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन टू। क्वेश्चन थ्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। कह रहा है ये जो बॉक्सेस हैं ये मिसिंग है, इसको भरो, ठीक है। सो इन बॉक्सेस में क्या आएगा वो भरो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो देखो यहाँ पे आपको ये बॉक्स भरना है, ठीक है। सो यहाँ देखो, मतलब कैसे भरोगे ये बॉक्स। सो यहाँ देखो आप, ये देखो अगर ये ए वन है, ठीक है, ये ए टू है, ये ए थ्री है, ठीक है। अच्छा ए वन क्या होता है, ए वन ए ही होता है, आपको पता है ना, ए वन ए होता है, ठीक है। सो देखो ए वन ए ही होता है, मतलब ए क्या है, टू, आपका ए क्या है, टू, ठीक है। ये ए वन है, ए टू है, ये ए थ्री है। सो ए थ्री क्या होता है, ए थ्री इज इक्वल टू ए प्लस टू डी होता है, ठीक है। सो ए थ्री क्या है, 26। सो देयर फोर 26 इज इक्वल टू ए प्लस टू डी, ठीक है। सो 26, ए क्या है आपका, टू, ठीक है। सो 2 प्लस टू डी, ठीक है। सो 26 2 इधर जाएगा तो माइनस होगा 2d, ठीक है। सो देयर फोर 26 में से 2 गया, क्या बचेंगे, 24 इज इक्वल टू 2d, ठीक है। सो 24 अपॉन 2 इज इक्वल टू डी, 2 वन जा 2 12 जा, सो डी क्या आया, 12, ठीक है। अच्छा मैं ये क्या करा, मैंने देखो मेरा सिंपल लॉजिक क्या था, देखो मुझे ए टू फाइंड करना है, ठीक है। सो अब आपको पता है ए एन क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए टू क्या है, ए टू इज इक्वल टू ए प्लस डी होगा। अगर ए थ्री बोलूँ तो ए थ्री क्या होगा, ए प्लस टू डी होगा, ठीक है। सो मैंने क्या किया, सिंपल देखो ए थ्री ए प्लस टू डी है, सो मैंने पूरा सॉल्व, देखो ए तो है, ए दिया हुआ है, डी भी मिल गया, अब तो मैं कुछ भी फाइंड कर सकती हूँ ना, ए टू फाइंड कर लूँ। देखो ए डी मिल गया तो मैं ए टू फाइंड कर लूंगी ना, सो मैं यहाँ ए टू फाइंड करूंगी। सो ए टू इज इक्वल टू ए प्लस, ठीक है, ए टू इज इक्वल टू ए प्लस डी, ठीक है। एक एक छोटा होता है ना, ए थ्री हो तो ए प्लस टू डी, तो ए टू है तो ए प्लस डी। सो ए क्या है मेरा, टू, डी क्या है, 12। सो 2 प्लस 12 क्या होगा, 14 होगा ना। सो ए टू क्या आया मेरा, 14, ठीक है। लॉजिक देखो वही चल रहा है, तो यहाँ मेरा ये मिसिंग टर्म क्या होगा, ये मिसिंग टर्म है मेरा 14, ठीक है। अच्छा वैसे ही हम सेकंड नंबर भी देखते हैं। सो सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर देखो, सेकंड में ये मिसिंग है, ये है, ये मिसिंग है, ये है, ठीक है। सो देखो ये ए वन हुआ, ये ए टू हुआ, ये ए थ्री हुआ, ये ए फोर। फिर से देखो हमारा ए एन वाला फॉर्मूला जिंदाबाद, ठीक है। सो ये देखो ए टू है ना, सो ए टू इज इक्वल टू ए प्लस डी, ठीक है, ए टू इज इक्वल टू ए प्लस डी। सो देखो ए टू क्या दिया हुआ है, 13, सो 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी, इसको 1 दे दो आप, ठीक है। ये क्या है, ए फोर, सो ए फोर इज इक्वल टू ए प्लस 3d, ठीक है, ए फोर इज इक्वल टू ए प्लस 3d। सो ए फोर क्या दिया हुआ है, 3, सो 3 इज इक्वल टू ए प्लस 3d, इसको 2 दे दो, ठीक है। देखो लॉजिक बस यही है कि ए डी मिल जाए, ए डी मिल गया फिर तो हम ए वन ए थ्री जो बोलो वो फाइंड कर देंगे, हमारे पास ए और डी होना चाहिए, लॉजिक बस यही है। सो हम इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करके ए डी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो ए प्लस डी इज इक्वल टू 13, ए प्लस डी इज इक्वल टू 13,
और a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, एक ही लॉजिक से चल रहे हैं कि a और d। मेरे ख्याल से मैंने क्वेश्चन 1 से चालू किया था, तब भी मतलब an फॉर्मूला पे ही हम डिपेंडेंट थे। फिर क्वेश्चन 2 मैंने हमने MCQs की उसमें भी an, और ये तीसरा देखो इस पे भी an पे ही डिपेंडेंट है, हमारा जो डिपेंडेंट है an फॉर्मूला पे ही चल रहा है। सो देखो ये दो हैं, सो यहाँ साइन चेंज करो, यहाँ साइन चेंज करो, यहाँ साइन चेंज करो, a और a कैंसिल। सो देखो माइनस 3d प्लस d, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 3d में से 1d गए तो 2d बचा, साइन किसका आएगा, नेगेटिव का, साइन नेगेटिव का आया, इज इक्वल टू 13 में से 3 गए 10, ठीक है। सो देयर फोर डी इज इक्वल टू 10 अपॉन माइनस 2, ठीक है, कट शॉर्ट करो। सो कट शॉर्ट करेंगे 2 1 जा 2 5 जा, सो डी इज इक्वल टू माइनस 5, डी माइनस 5 आया, किसी में भी वैल्यू डाल दो, इक्वेशन 1 में डालो या इक्वेशन 2 जिसमें भी डालो, इक्वेशन 1 में डालते हैं, ठीक है, ए प्लस डी इज इक्वल टू 13 में, सो बाय 1 ए प्लस डी इज इक्वल टू 13 में, सो ए क्या मिला आपका, डी है माइनस 5, ठीक है, डी है माइनस 5, ए है, डी है माइनस 5, ठीक है, सो ए प्लस माइनस माइनस 5 इज इक्वल टू 13, ठीक है, सो ए इज इक्वल टू माइनस 5 उधर गया तो प्लस 5, 13 प्लस 5, ठीक है, ए इज इक्वल टू 18, ठीक है, ए 18 आया। सो अब क्या करेंगे, आपको ए मिला, आपको डी मिला, ठीक है, ए मिला डी मिला, तो अब क्या करेंगे, ए 1 और ए 3 फाइंड करेंगे। ए 1 क्या है, ए प्लस डी, ठीक है, ए 1 है आपका ए प्लस डी, सो 18 प्लस डी, डी क्या है आपका माइनस 5, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, सो 18 माइनस 5 13, ठीक है। अब ए 3 है, ए 3 आपको फाइंड करना है, ठीक है, सो ए 3 कैसे फाइंड करेंगे, ए 3 इज इक्वल टू ए प्लस 2d, ठीक है, ए 3 इज इक्वल टू ए प्लस 2d, डी क्या है आपका, डी हमने आगे फाइंड किया था, डी माइनस 5, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10, ठीक है, 8, सो ए 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है, ए 3 8 है और ये ए 1 13 है, ठीक है, सो ये दो आपने फाइंड किए, ए 1 13 है और ए 3 है 8, ठीक है, सो इस तरह से ये दो टर्म्स आपको मिल जाएंगे। सो यही आपको भरना था, 13 और 8, यहाँ 13 लिखेंगे और 8 लिखेंगे, एक सेकेंड, ये ए वन तो ए ही होता है ना, ए वन ए होता है, ठीक है, ए वन क्या होता है, ए ही होता है, तो ए तो हमें मिल गया था ना, ए वन ए होता है, सो ये रहा, ए तो हमें मिल गया था, मतलब ये हमें ए वन मिल गया था, ठीक है, ए वन मिल गया था, सो ये तो ए वन तो हुआ ही नहीं ना, ये तो हमने ए टू फाइंड किया, ठीक है, ए वन हमें 18 मिल गया था और ए 3, सो ए 3 क्या है हमारा 8, ठीक है, सो 18 और ये 8, सो यहाँ 18 आएगा, यहाँ 18 आएगा और यहाँ क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है, इस तरह से देखो 5 5 का डिफरेंस, 18 से 13, 13 से, ठीक है, सो इस तरह से किया। फिर से देख लो कैसे किया, सिंपली a2 दिया हुआ है हमें, a4 दिया हुआ है, ठीक है, a2 और a4 n टर्म की फॉर्मूला के हिसाब से एलिमिनेशन से डिफाइन किया, फिर a मिला, सो अगर a मिला तो ऑटोमेटिक a1 मिल गया, ठीक है, ये मेरी मिस्टेक थी, a1 तो a प्लस डी कैसे होगा, a1 तो a ही होगा ना, सो a1 a मिला तो a1 हुआ, ठीक है, सो a3 क्या होगा, a3 होता है, a3 का फॉर्मूला a प्लस 2d, सो a प्लस 2d लगाया, ठीक है, a3 इज इक्वल टू 8, ठीक है, सो यहाँ हमने 8, ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन 3 का सेकेंड, ठीक है, सो एंडिंग विद दिस, अब हम देखते हैं आगे।